गाइस, सुबह है और मैं सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई क्योंकि पंप बहुत ख़राब हो गया, मतलब भी ख़राब हो गया था काफ़ी टाइम से, मैंने ब्लॉग में बताया था बट अभी तक बना नहीं है। आज मैं जा रही हूँ चाय बनाने अपने सब्सक्राइबर के कहने पर, तब ऐसा बना रही हूँ पानी में चाय पत्ती अदरक पहले खौलाऊँगी फिर दूध डालूँगी। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अब मॉर्निंग का टाइम है तो क्लीनिंग और साफ़ सफ़ाई तो वो करनी ही है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही काम फैला हुआ है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया पानी जो है वो नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या सोचा कि इससे पहले कि ये पानी लगवाएं बगल से, तो मैं सोच रही थी कि घर मैं क्लीन कर लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं घर को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, जितना पानी है उतने में ही करने की कोशिश करूँगी। हो जाता है कभी कभी ऐसे माहौल जो है आ जाते हैं घर में, लेकिन हमें हर हाल में ना एडजस्ट करने आना चाहिए। मेरे ख्याल से एक औरत के अंदर ये गुण होता है, भगवान ने एक औरत के अंदर ये गुण दिया है कि वो हर सिचुएशन में हर माहौल में एडजस्ट करके सब चीज़ों को हैंडल कर लेती है शायद। तो बस ये हुनर औरत को ही दिया है भगवान ने। तो चलिए इसी के साथ ज्ञान ना देते हुए करते हैं आगे का काम। तो यहाँ पे ना ये पाइप लगा रहे थे कि कल रात में ही, लेकिन रात में नहीं लगाए थे तो रख दिए थे यहीं पे लाके रात में, तो इन सबको हटा रही हूँ। मैं क्या करूँगी, आंगन में भी झाड़ू ही मार दूँगी, वैसे भी मैं रोज़ का रोज़ धोती हूँ तो साफ़ ही रहता है, तो मैं हल्का से यहाँ पर झाड़ू मार दूँगी ताकि जो भी कंकड़ वंकड़ थोड़ा सा खिसकता है ना पैर, तो वो जो है क्लीन हो जाए। तो मैं झाड़ू मार दी हूँ और इसके बाद फ्रेंड्स अब हम कमरे में झाड़ू मार, अब मैं अपने रूम में झाड़ू पहले ही मार चुकी थी, बस ये हॉल रह गया था तो हॉल बटोर लेंगे। और मम्मी मेरी अंदर बाहर पता नहीं क्या कर रही है, मैं ध्यान भी नहीं। तो फ्रेंड्स अभी तक सिर्फ जो है ना घर में झाड़ू लगाई हूँ और कुछ भी नहीं किया क्योंकि पानी नहीं है, बर्तन भी नहीं धुला, आप देख सकते हो घर भी फैला है। जितना मुझसे हो रहा है मैं अपना सही करती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये जो बाल्टी है छोटी वाली, ये पेंट की बाल्टी थी, तो इसको मैं पूरा भर के जो है ना पोछा लगाती थी, आराम से लग जाता था, लेकिन आज पानी की किल्लत की वजह से मैं इसको आधा ही भरी हूँ और इसको डुबो डुबो के पोछा लगा रही हूँ किसी तरह से। लेकिन क्योंकि घर में रोज़ का रोज़ क्लीन करती रहती हूँ तो इसलिए उतना गंदा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़े साफ़ करने के लिए, तो क्लीन हो गया था ईज़िली ही। और बस इसी तरह से मैं एडजस्ट कर रही हूँ अपना और पोछा ओछा लगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो कपड़े सूखे थे ना मेरे, उसको तय लगा के मुझे रखना था, तो इन सारे कपड़ों को तय लगा के रख लेती हूँ। थोड़े बहुत कपड़े नहीं हैं, बहुत सारे कपड़े, क्योंकि मैंने इकट्ठा धुला हुआ था, मैं धो नहीं रही थी कई दिन से, तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, तो उनको जो है सबको तय लगा के रख दूँगी, सूख चुका है अच्छे से। और कपड़े वगैरह ऐसे होते हैं ना कि मतलब कि इनको तय लगा के अच्छे से ना रखो ना तो सुकड़न सी आ जाती है, वैसे मेरे कपड़े ज़्यादातर सुकड़े ही रहते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक आयरन ले लूँ, उससे सही रहता है ना, प्रेस करके पहनो तो कपड़े का लुक ही अलग दिखता है, एकदम स्टाइल ही बदल जाता है। तो मैं सोच रही हूँ ले लूँ, क्योंकि हस्बैंड जी के भी शर्ट वगैरह पैंट वगैरह जो है आयरन करने की ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी, वैसे तो मैं उसको अच्छे से एडजस्ट करके रखती हूँ ताकि सिकुड़न ना आए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर कर दो तो बहुत ही अलग लुक आता है, तो मैं सोच रही हूँ लेने का उसको। तो चलो कपड़े लपेट के इसको जगह पे रख देती हूँ, उसके बाद आगे का काम करती हूँ। इसके
उसके बाद फ्रेंड्स मैंने एक मग्घा जो है मेरा जो नहाने वाला मग होता है उसमें पानी ले लिया था, और ये मेरा क्लीनिंग वाला जो कपड़ा होता है डेली का, मतलब झाड़ने पोछने वाला कपड़ा, तो उसको ले लिया है। और बस अपना फ्रिज वगैरह जो है पोछ लूँगी, उतने में बोर बोर के डीप कर करके डुगो डुगो के अपना बार बार पोछ जाएगा चीज़ों को। तो फ्रिज पोछूँगी, सोफ़ा पोछूँगी, टेबल पोछूँगी, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पोछनी रहती है डेली की डेली, जैसे कि पलंग, ड्रेसिंग टेबल, टीवी, सब चीज़ों को जो है उसी मग में डुगो डुगो के पोछ लूँगी, और काम जो है ये मेरा चल जाएगा इस तरह से। और फिर जब पानी आएगा फिर देखा जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स आटा जो है ये लाए थे, तो मैंने कहा कि चलो इसको भी भर के रख देते हैं, जितना इसमें आए उसको रख देते हैं, ऐसे फैला फैला वैसे भी अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, तो इसीलिए मैं भर दूँगी, लेकिन पहले मतलब पूरा नहीं आएगा, बच जाएगा। और फाइनली खाना जो है मैं बना ली हूँ, अभी फुर्सत पाई हूँ, मैंने बनाया है दाल और चावल, जल्दी झटपट यही बन गया, तो यही मैंने बना लिया है। और लगा रहता है ज़िंदगी में ऐसा उतार चढ़ाव, कभी कुछ हो जाता है, पर ठीक है चलिए झेलना तो है ही अपने को ही, कोई और तो आएगा नहीं झेलने। और आज मैंने इस तरह से हेयर झाड़ा है देखो फ्रेंच बना के। चलिए खाना खाते, भूख बहुत ही लगी क्योंकि घर ही में ना 12:30 से ऊपर हो रहा है, तो चलिए खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और आप देख सकते हो मैंने ये सफ़ेद मटर जो है ना भिगो के रखा था, तो चलिए अब इसका कुछ बनाते हैं। हालांकि मुझे इसकी सब्ज़ी भी बनानी है, तो सब्ज़ी की रेसिपी तो मैं पहले भी अपने वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, आप लोगों ने नहीं देखी तो चेक कर सकते हो, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा कुछ बनाएंगे, ऐसे चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, तो इसको उबाल लेते हैं। तो कुकर में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ उसे,
इसमें ना थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर दूंगी, इसलिए ना क्योंकि नमक ऐड करने से थोड़ा जल्दी पकेगा, तो बस इसे अब लीड लगा के पका लेंगे जब तक ये गल ना जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरा मटर कितने अच्छे से जो है गल चुका है, सफ़ेद मटर। कुछ ऐसे आते हैं जो गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जो जल्दी गल जाते हैं। तो ये मेरा 4 से 5 सीटी में गल गया है। इसके बाद इसमें मैं डाली हूँ एक कटी हुई मिर्च, और इसके बाद एक मीडियम साइज़ का जो है मैंने प्याज कट किया है, आप और भी डाल सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैंने एक टमाटर छोटा ऐड किया हुआ है, और पता नहीं क्या इसमें मुझे दिख गया था कुछ सुतरा, तो वो मैं निकाल रही थी। और इसके बाद इसमें ऐड करने वाले हैं हम कुछ मसाले। सबसे पहले तो डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और ज़्यादा मसाले मैं कुछ नहीं डालूंगी, आप देख लेना। और यहाँ पे थोड़ा सा ये डाल दिया मैंने काला नमक, क्योंकि मेरे पास चाट मसाला नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं काले नमक से ही काम चलाऊंगी। और इसके बाद अगर आपके पास काला चाट मसाला हो तो आप वो भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा। इसके बाद इसमें मैंने डाला है नींबू, आधा नींबू मैंने डाल दिया है ये, क्योंकि ये नींबू थोड़ा खट्टा कम है। और इसके बाद जो है ये डाल दिया है भुना हुआ जीरा का पाउडर, और इसको अच्छे से हम जो है मिक्स कर लेंगे। और बस ये हमारा टेस्टी वाला चटपटा बनके रेडी हो गया है चाट।